आज से पहले अगर मैं कभी कहता कि पानीपत से दिल्ली एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है तो शायद कोई यकीन नहीं करता, लेकिन आज जो हम चीज़ें MH-1 पर अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं वो अपने आप में अद्भुत है। भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत नज़ारा। दरअसल दिल्ली के टर्मिनल 3 को सुरंग से जोड़ा जाएगा और ये मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे यहाँ से सुरंग की शुरुआत हो रही है। ये सुरंग जाएगी URB तक और RU-Ihage एक्सप्रेस वे वहाँ तक और वहाँ से सीधा पानीपत को कनेक्ट करेगी। मान लीजिए 2 से 3 घंटे का सफ़र सिर्फ 20 मिनट में हो जाएगा। किस तरीके का रोड रहेगा, कैसा रोड है, सुरंग में क्या कुछ है, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कब से इसकी शुरुआत होगी और कितना सहूलियत लोगों को इससे मिलने वाली है और इसका किस किस लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि एयरपोर्ट जाने के लिए जहाँ कई घंटे पहले निकलना पड़ता था, घंटों लंबा जाम, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, और पानीपत के आगे का जो सोनीपत के आगे का जाम है वो अपने आप में सबको नज़र आता है, तो ऐसे में जो पानीपत से ही रोड पकड़ेंगे और जो रोड डेडिकेटली यहाँ के लिए और फिर यहाँ से आगे सुरंग जितनी नीचे ही उतने ऊपर ही उसका ट्रैफिक जो है चलता हुआ नज़र आएगा, तो ये अपने आप में इसलिए अहम हो जाता है। और ये स्टोरी भी अपने आप में आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। एक एक चीज़ दिखाएंगे, टनल का अंदर का भी दिखाएंगे, टनल के ऊपर जो ट्रैफिक चल रहा है वो भी दिखाएंगे और कैसे कनेक्ट किया जाएगा ये भी तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे MH-1 की स्पेशल रिपोर्ट में। मैं इस वक्त खड़ा हूँ UER-2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। दरअसल T3 से जो कोई भी आएगा या पानीपत से जो कोई आएगा यहीं से फिर आगे कनेक्ट होगा। मैं पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सामने आप देख सकते हैं कि ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की शुरुआत यहाँ से हो रही है। सामने लिखा हुआ पानीपत यहाँ से 101 किलोमीटर है, चंडीगढ़ 257, बहादुरगढ़ 23 किलोमीटर दूर है और यहाँ से यही आगे कनेक्टिविटी होगी। ये थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पे जो है वो बन रहा है, ये सीधा टनल में जा कर के कनेक्ट हो रहा है। मान लीजिए कि आप जिसे UER-2 से आए और सीधा टनल पे जाएंगे और टनल से सीधा कह सकते हैं कि एयरपोर्ट के लिए आप रवाना हो जाएंगे। ये पार्ट जो थोड़ा बहुत रहा है, ये थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो यहाँ पर बन रहा है, बड़ी जल्दी इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी। यहाँ पीछे पूरा काम लगा हुआ है। पानीपत आप पंजाब से, चंडीगढ़ से कहीं से आते हैं GT रोड पर तो पानीपत तक आप आलीपुर पर आएंगे, आलीपुर से फिर ये रोड पकड़ेंगे UER-2, सीधा फिर आगे टनल लेंगे 3.9 किलोमीटर्स की और सीधा टर्मिनल 3 पर आप पहुंच जाएंगे। मतलब जो सफ़र 2 घंटे का 2.5 घंटे का था वो घटकर रह जाएगा महज 25 से 30 मिनट का। अब आगे रोड कौन सा है UER-2 वो भी आपको दिखाते हैं। T3 से टनल से होते हुए द्वारका एक्सप्रेस वे से आगे वो कौन सा रोड है जो कि सीधा आपको पानीपत ले जाएगा, मैं वहाँ पर आ चुका हूँ और यही सबसे अहम है। देख सकते हैं यहाँ ये UER-2 है यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। ये बहादुरगढ़ पानीपत चंडीगढ़ सीधा यहाँ से जा सकते हैं। ये 8 लेन का हाईवे है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, दोनों तरफ से सर्विस लेन अलग से है, हाईएस्ट स्पीड जो है 80 है और ये सीधा आपको कनेक्ट करेगा। यही रोड है जो कि जिसके इस पे कहा जा रहा है कि आप पानीपत से एयरपोर्ट 20 से 25 मिनट में पहुंच सकते हैं क्योंकि आप स्पीड में आकर के आगे यहां पर पहुंच सकते हैं। और क्योंकि आगे किस तरीके का रहेगा ये रोड भी हम आपको दिखाएंगे और यही रोड जो है आगे अगर आपको इधर से जाना है तो सीधा T3 आ जाएगा। अब इस तरफ से आ रहे हैं तो सीधा आप पानीपत पहुँच जाएँगे और क्योंकि जिनको एयरपोर्ट जाना है या फ़्लाइट्स लेनी है वो लेट ना हो उनके लिए ये एक वरदान की तरह ये सारे रोड साबित होंगे। ग्रीन हाईवे ये पूरा बनाया गया है और यही हाईवे जो है, एक्सप्रेस वे जो है, अर्बन एक्सटेंशन रोड आगे पहुंचेगा। हम आपको दिखाएंगे और पूरा रोड कैसा है, किस तरीके का है वो भी आपको MH-1 की टीम तमाम चीज़ें बताएगी। आइए हमारे साथ। हम इस वक्त हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड पर और इसका नाम है UER-2 और यही रोड है जो टनल जो है 3.5 किलोमीटर लंबी जो कि T3 को जोड़ती है और उसके बाद ये सीधा आपको पानीपत जाने के लिए, बहादुरगढ़ जाने के लिए डायरेक्ट जो कहा जा रहा है कि 20 से 25 मिनट में सफ़र पूरा हो जाएगा वही रोड है। जो कोई भी पानीपत से आएगा और वो आलीपुर पे जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है उसको कनेक्ट कर जाएगा और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे तक सीधा यहाँ पर पहुँच सकता है और द्वारका एक्सप्रेस वे से आगे जो टनल बनी है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा जाम रहता था वो जाम से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो भी रोड से हम आ रहे हैं या जा देख रहे हैं यहाँ कहीं भी आपको जाम नहीं मिलेगा,
क्योंकि साथ में सर्विस रोड हैं, जिनको लोकल जाना है वो सर्विस रोड से चले जाते हैं, आप सीधे स्पीड में आकर के उसी स्पीड में गाड़ी द्वारका एक्सप्रेस वे और उसी स्पीड में आगे टनल से सीधा T3 में पहुंच जाएगी। और ये इसलिए भी क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपका जो ट्रैफिक का टाइम है पानीपत से, या आपको मान लीजिए चंडीगढ़ से आ रहे हैं या हिमाचल पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर से, तो रोड GT करनाल रोड ही है, तो वहाँ से आते हैं अगर तो या तो आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे लेंगे वो बहुत लंबा पड़ता है, या दिल्ली के बीचों बीच से आएँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका लगता है। लेकिन इस रोड से अगर आएंगे तो आप सीधा 25 से 30 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और UER2 जो है ये अलीपुर, नॉर्थ दिल्ली में जो अलीपुर है उसे कनेक्ट करता है दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ। ये रजौकरी के पास साउथ वेस्ट दिल्ली में दिल्ली जयपुर हाईवे से ये कनेक्ट करता है, और ये कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दी इस ईयर के एंड तक इसका ऑफिशियली उद्घाटन आ रहा है कि गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं। और देख सकते हैं कितनी बड़ी लेन्स हैं, एक खुला रोड, और इन रोड्स पर ये भी कहा जाता है कि एमरजेंसी में अगर आपको कोई जेट विमान उतारना है तो वो भी उतारा जा सकता है। तो ये अपने आप में इसलिए क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, पहले ये हरियाणा सरकार बना रही थी दिल्ली सरकार मिलके, लेकिन लैंड एक्विजिशन के चलते अधर में फंसा रहा ये प्रोजेक्ट 2006 में। फिर 2016 के करीब नितिन गडकरी और मनोहर लाल मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात हुई, और फिर सेंटर ने इसे टेक ओवर किया। और ये देख सकते हैं सामने जो बोर्ड देख रहे हैं, पानीपत सीधा, और लेफ्ट में अगर किसी को लोकल गांव ताजपुर खुर्द है, शावला है, गोयला है, रोशनपुरा है, वहाँ जाना है तो आप एग्ज़िट लेकर के जा सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ से तमाम जो स्पीड है और वो तमाम चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, और आसपास की, क्योंकि यहाँ आसपास के कॉलोनीज़ भी हैं, वहाँ पर अब ज़मीनों के दाम भी आसमान पर आने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा रोड जो है UER जो बन के तैयार हैं, अब कुछ पैच बीच में बचा है, फाइनल वर्क चल रहे हैं, उसके बाद ऑफिशियली अगर किसी को भी खास करके सहूलियत पंजाब का काफ़ी तबका विदेश में रहते हैं, वो या तो शताब्दी ट्रेन से आते हैं या पहले टाइम लेके चलते हैं, उन्हें इतना टाइम अब वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा आकर के कुछ ही घंटों में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच सकते हैं, और बिना किसी जाम के या बिना किसी झंझट के यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। नमस्कार, MHB न्यूज़ में आप सबका स्वागत है, और मैं इस वक्त उस टनल में हूँ जो कि दिल्ली के एयरपोर्ट से पानीपत का रास्ता महज कुछ ही मिनटों में तय कर लेगी। ये टनल जो है यहाँ से UER तक मिलेगी और UER से आगे पानीपत तक जाएगी, मतलब जो पंजाब हरियाणा हिमाचल के लोग गए हैं अगर उन्हें एयरपोर्ट जाना है तो बहुत 5 घंटे 6 घंटे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, पानीपत तक आइए और वहाँ से महज कुछ ही मिनटों में आप दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। और ये टनल किस तरीके से की है, किस तरीके से बनी है, कितनी लंबी है, इस सारी रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा अंदर से एक एक चीज़। TV के चैनल के इतिहास में पहली बार अंदर से टनल आपको दिखाई जाएगी, और रास्ता इससे कितना कम हो जाएगा, कितना सहूलियत मिलेगी विदेश जाने वालों के लिए, एयरपोर्ट आने वाले के लिए, दिल्ली का कितना डीकंजेशन होगा वो भी आप सबको बताऊंगा। अभी आपको अंदर ले चलता हूं और बताता हूं किस तरीके से टनल है, और उसके बाद आगे की चीज़ें भी दिखाएंगे। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट से अगर किसी को पानीपत जाना है तो वो कुछ ही मिनटों का सफ़र रह जाएगा, क्योंकि ये मैं इस वक्त जिस टनल के अंदर खड़ा हूँ ये टनल सीधा शिव मूर्ति से लेकर के UER से मिलती है और सीधा आगे पानीपत जाएगी, तो सफ़र सारा आपका सिर्फ 28 किलोमीटर रह जाएगा। मैं पूरी टनल भी आपको दिखाऊंगा। ये टनल इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, नीचे 8 लेन की टनल, ऊपर इसके ऊपर रोड जा रहा है और रोड भी 8 लेन का है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंडिया में वाइडेस्ट सबसे चौड़ी अर्बन टनल ये है, और इस टनल से इतनी तेज़ी सप्ताह से गाड़ियां जाएंगी दोनों तरफ से, दिल्ली का डीकंजेशन होगा, एयरपोर्ट जाने का वक्त जो है वो कम लगेगा, एक एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी। इसके आगे UER रोड भी आपको दिखाया जाएगा, पहले टनल किस तरीके की है, क्या कुछ है, आपको सारा मुआयना करवाते हैं। मैं इस वक्त टनल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ और देख सकते हैं काफ़ी वाइडेस्ट टनल, इंडिया की अर्बन की सबसे वाइडेस्ट टनल है ये, और यहाँ से जब गाड़ियाँ जाएंगी रफ्तार के साथ, क्योंकि 4 लेन इधर है, 4 लेन इधर है, टोटल 8, और 8 ही इसके ऊपर, मेरे ऊपर जो पिलर्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर इस वक्त ट्रैफिक चलेगा, और 8 लेन का ट्रैफिक जो है यहाँ पर चलेगा, और प्लस
चार सर्विस लेन, मतलब आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक चलेगा। बीच बीच में ये देख सकते हैं कि ये जो रोड एक से दूसरी जगह आ रहा है, तो ऐसे हर 500 मीटर बाद एक टर्न दे रखा है कि यू टर्न करना हो या किसी को इमरजेंसी जाना हो या कोई SOS करना हो, वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। एक और चीज़ जो टनल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें अगर हम देखें कि जो पानी भर जाता है टनल्स में, ये सबके लिए शिकायत रहती है, तो उसके लिए स्पेशल ये देख सकते हैं कि ये बनाए गए हैं नालियाँ, मोटी नालियाँ, और यहाँ से अगर पानी आता भी है तो आगे चला जाएगा। 5 पंप लगाए गए हैं, पंप जो है पानी बाहर कर देंगे, तो वो कोई भी दिक्कत परेशानी सामने नहीं आने वाली है। तो काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई हुई टनल है। बीच का पार्ट हमने दिखाया और साइड जो है एकदम देख सकते हैं कि बिल्कुल मोटे कंक्रीट के साथ बनाई गई हैं। जब गाड़ियां रफ्तार से चलेंगी तो दूरी जो है महज, अगर कोई हिमाचल पंजाब से आता है तो उसके लिए एयरपोर्ट कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं रहेगी। आगे की जगह और भी दिखाते हैं और क्या कुछ है, आपको सारा हम दिखाएंगे। दरअसल दिल्ली को डी कंजेस्ट करने के लिए प्लान बनाए गए थे, तो दिल्ली डी कंजेशन का जो प्लान है उसी के अंतर्गत ये पूरा टनल है या ऊपर के रोड है वो बनाए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें भी साथ में आपको दिखाता जाऊंगा कि जिस तरीके से ये टनल पूरी बनाई गई है। ये क्योंकि नितिन गडकरी हमेशा पक्का और टिकाऊ काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो देखने में ही लग रहा है कि काफ़ी वाइडेस्ट टनल ये पूरे, अगर इंडिया की बात करें तो ये अर्बन वाइडेस्ट टनल ये मानी जा रही है, कही जा रही है। और ये क्योंकि बड़ी जल्दी ही ये तैयार हो जाएगी, तो इससे क्योंकि शिव मूर्ति जो है वहाँ से लेकर के ये बर्थल चौक तक जाएगी RUV तक, और क्योंकि इससे क्या होगा कि ऊपर का जितना भी ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आधा नीचे डिवाइड हो जाएगा, आधा ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर नीचे बात करें तो 8 लेन जो हैं वो नीचे हैं, 8 ही लेन ऊपर हैं, और साथ में 4 सर्विस लेन अलग, तो आप समझ सकते हैं कितना वाइडेस्ट एरिया इसका होगा। और इसमें ये भी देखें कि आगे जो RUV है वर्चुअल चौक से, ये हरियाणा दिल्ली का जो बॉर्डर है उस तरफ निकल जाएगी और उसके बाद खिड़की दौला जाएगी। अब क्योंकि ये इतनी लंबी टनल है, इसकी 3.6 किलोमीटर लंबाई है और इसे शैलो टनल कहा जाता है। शैलो मतलब उछला होता है ज़्यादा, क्योंकि इसके ठीक ऊपर जो है रोड है, और ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, जिसमें इतने रिकॉर्ड टाइम में इतनी फास्ट तरीके से, क्योंकि ये पहले बनना था लेकिन दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में प्रोजेक्ट था लेकिन किसी कारण नहीं हुआ। फिर बाद में केंद्र इसमें आया, एक बार किसी कार्यक्रम में नितिन गडकरी गए हुए थे हरियाणा, तब मनोहर लाल ने वहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग में उनसे बात सामने रखी, तो उसके बाद नितिन गडकरी ने ओके किया और फिर ये पूरी टनल का और ये आगे पानीपत तक का UR मिलने का ये काम शुरू हुआ। और ये टनल जब बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फैंस भी लग रहे हैं, इमरजेंसी डोर भी होंगे, अगर बीच में किसी की गाड़ी रुक जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो उनके लिए इमरजेंसी नंबर SOS वो भी होंगे, एयर वेंटिलेशन सही से हो उसके लिए यहाँ पर कई जो है पंखे लगाए जा रहे हैं, और ये लाइट्स ऊपर आप देख रहे हैं हैलोजन लाइट्स ही लगातार 24 घंटे अंदर लाइट्स प्रोवाइड कराने के लिए हैं। और ये क्योंकि डी बोल्ट टेक्नोलॉजी के तहत ये जो है ये बनाई गई है। डी बोल्ट माने तो टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। आमतौर पर देखते हैं कि जब भी कोई इस तरीके का पुल या टनल बनती है तो पहले ज़मीन खोदी जाती है, फिर पिलर भरे जाते हैं, उसके बाद छत डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। पहले साइड्स इसकी बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद स्लैब बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी निकाली जाती है, क्योंकि ऊपर पूरा शहर है और शहर में लगातार गाड़ियाँ जो आ जा रही हैं रोड बंद नहीं कर सकते, तमाम के बिजी शहरों में ऐसे ही प्रोजेक्ट यूज़ किए जाते हैं। इसमें अगर देखें तो आगे, क्योंकि पूरा अंदर का एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, लाइट्स बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई हैं और दोनों तरफ लेना, बीच में के जगह कट और यू टर्न भी दे रखे हैं, अगर किसी को कट इमरजेंसी लेना हो तो वो कट भी यहाँ पर मिल जाएगा। आमतौर पर हम जो भी टनल्स देखते हैं ऐसे ही स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, हालांकि कई टनल्स में तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, और ये हाईटेक तरीके से, क्योंकि इसमें अगर वेंटिलेशन का देखें तो हाईटेक तरीके के इसमें डिवाइसेस जो है वो लग रहे हैं। और आगे भी क्योंकि डी कंजेशन काफ़ी शहर में जिस तरीके से गाड़ियां बढ़ रही हैं,
और दिल्ली की बात करें तो 1 करोड़ के करीब गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत नज़ारा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भी थोड़ी देर पहले जो टनल के अंदर मैं खड़ा था, 8 लेन की टनल, और उसके ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर देख सकते हैं कि हज़ारों की गिनती में वाहन चलते हुए, पूरा एकदम वाहन चल रहे हैं, 4 और 4 8 लेन और 2 सर्विस लेन, 12 लेन का ट्रैफिक ऊपर से चल रहा है, और नीचे जो है सुरंग है, सुरंग का काम हुआ है, पूरे तरीके से बनी हुई है, और साथ में टर्मिनल 3 की जो हवाई पट्टी है उससे नीचे से होकर के ये सुरंग जाएगी, और साथ में ही बिल्कुल ये एयरपोर्ट है। और अभी क्योंकि ये अपने आप में एक कला का अद्भुत नज़ारा है, और इस प्रोजेक्ट का मकसद बता दें कि कोई शिव मूर्ति से बसंत विहार तक ये पूरी सुरंग बन रही है। दरअसल उत्तरी राज्यों के स्थानीय और पर्यटक जो हैं और जो गाड़ियां जाती हैं, और ख़ास करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से लोग जल्दी से जल्दी दिल्ली के कंजेशन से बचें, इससे पहले ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया था लेकिन फिर भी कंजेशन काफ़ी है, तो और हवाई अड्डे तक एकदम से पहुँचे इस प्रोजेक्ट का, ये दिल्ली डीकंजेशन प्लान के तहत ये यहाँ पर आता है, और इससे ट्रैफिक में करीब 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो चल ही रहा है, नीचे से जब शुरू हो जाएगा, और धौलाकुआं से गुरुग्राम तक भी ये जाएगा। नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट की ना काफ़ी दिनों पहले घोषणा की थी, और जिसके तहत रिंग रोड अर्बन एक्सटेंशन रोड प्रोजेक्ट पानीपत से आरंभ होकर के सीधा दिल्ली कनेक्ट होना था। प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि सड़क पर ट्रैफिक आधा रह जाए, और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट भी था, और जो कि पूरा होता हुआ, और द्वारका एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा होने वाला है। इसके चालू होने से द्वारका और पुराने गुरुग्राम के लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उपयोग करके जयपुर से सोना होते हुए सिर्फ 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। तो आपको अगर पानीपत से आना है तो महज 20 मिनट लगेंगे आपको आने में, अगर आपको यहाँ से जयपुर जाना है तो महज 2 घंटे लगेंगे। तो जो दूरियाँ हैं वो काफ़ी कम होती जा रही हैं, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके बिल्कुल नीचे टनल है, टनल के नीचे से ट्रैफिक जा रहा है, और ऊपर खड़ा हूँ और ऊपर भी ट्रैफिक चल रहा है, 8, 16, 20 लेन, अपने आप में अद्भुत नज़ारा। और अब आगे के रोड में आपको दिखाता हूँ जहाँ से पानीपत के लिए ये टनल जो है कनेक्ट होगी। टनल का पार्ट आपको दिखा दिया, अब द्वारका एक्सप्रेस वे से पानीपत से आलीपुर से किस तरीके से आप पहुँच सकते हैं वो बताया जा सकता है। कोई भी जो पानीपत से आता है वो आलीपुर से आगे फ्रे रोड पकड़ करके सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे से फिर टनल जो है वहाँ से कनेक्ट होकर के IGI एयरपोर्ट तक पहुँचा जा सकता है। मैं 2 तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मेरे इस तरफ अगर आप देख सकते हैं तो इस तरफ जो है टनल है, आगे जा कर के टनल शुरू हो जाती है जो सीधा एयरपोर्ट T3 को जाती है, और यही टनल है जो हमने दिखाई भी है, 3.6 किलोमीटर लंबी ये टनल है। और दूसरी तरफ यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे शुरू हो जाता है, UER2 आगे जो है वो भटखल चौक पे शुरू हो जाएगा। ये आने के लिए जाने के लिए 4 लेन बताए गए हैं। अगर आपने गुरुग्राम से जयपुर की तरफ जाना है तो एक तरफ जाना है, अगर आपको दूसरी तरफ पानीपत की तरफ से जाना है तो वो दूसरी तरफ वाले रोड हैं, और ये अलग अलग रोड बनाए गए हैं, इंटरचेंज अलग अलग बनाए गए हैं ताकि कोई भी क्लैश जो है वो गाड़ियों का बीच में ना हो। और आगे ये पूरा रोड आपको दिखाएंगे, टनल हमने आपको दिखाई, अब रोड भी आपको हम पूरा दिखाएंगे किस तरीके का है, UER2 किस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्लेन तक भी उतर सकते हैं इस रोड पर। जिस सफ़र के लिए घंटों लगते थे और जहाँ पहुँचने के लिए कि 20 से 25 मिनट में कोई पहुँच पाएगा ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था, जहाँ मैं खड़ा हूँ आप इसी रोड से कुछ दिन बाद रपारप गाड़ियाँ निकलेंगी और 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगी दिल्ली एयरपोर्ट। कोई भी, खास करके ये खुशखबरी है पंजाब के रहने वाले पंजाबियों के लिए, हिमाचल के रहने वाले हिमाचलियों के लिए, हरियाणा के रहने वाले हरियाणवियों के लिए, पूरे देश के लिए, जो रोज़ आते हैं कई घंटे बर्बाद होते हैं लेकिन वो यहाँ से आ सकते हैं और सीधा टर्मिनल 3 पर 20 से 25 मिनट में पहुँच सकते हैं। सारी जर्नी हमने आपको दिखाई और बड़ी जल्दी इसका ऑफिशियली उद्घाटन भी हो जाएगा, और उसके बाद जो कई घंटों कंजेशन में फंसे रहते थे लोग या ट्रैफिक में फंसे रहते थे उससे छुटकारा मिलेगा। फिलहाल MH1 की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। दिल्ली से नितिन धीमान, कैमरामैन आदित्य के साथ।